हे एट साइंस, वेलकम टू टुडेज क्लास ऑफ डिवाइन पब्लिक स्कूल। आज हम लोग हमारा चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। क्या होता है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स? इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा एलिमेंट्स को। भैया, एलिमेंट्स क्या चीज़ होता है? ये होता है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल मैटर्स। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल मैटर्स, मैटर जिन चीज़ों से मिलके बनता है, जिन एटम्स से, जिन मॉलिक्यूल्स से मिलके बनता है, वो सब एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, एक गोल्ड का एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं आपसे। सोने की ईंट पड़ी हुई है आपके पास, या आयरन की कोई ब्रिक पड़ी हुई है आपके पास, तो उसके अंदर एक ही तरह के एटम्स होते हैं, सेम काइंड ऑफ एटम्स। इन सेम काइंड ऑफ एटम्स को ही एक तरह से हम कह सकते हैं इट्स ए प्योर टाइप ऑफ सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स। एग्जाम्पल, इसके अंदर अगर ये आयरन की है तो सारे के सारे एटम किसके होंगे? आयरन के। और आयरन क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल मैटर्स। ठीक है, एलिमेंट्स टोटल कितने होते हैं? टोटल होते हैं ये 118। वैसे कुछ और भी ढूंढे गए हैं, बट बुक के अंदर दिया गया है अभी 118 एलिमेंट्स हैं। क्या आप किसी के नाम जानते हो? ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, इस तरह के 118 एलिमेंट्स अवेलेबल है। इन एलिमेंट्स को 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। मतलब एलिमेंट्स भी कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के। मेटल्स, जिसके अंदर आती है अपनी मेटल धातु, लोहा, सोना, चांदी, पीतल, तांबा। नॉन मेटल्स, जो मेटल्स नहीं होती उनको कहा जाता है नॉन मेटल्स, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन। और अब बात करेंगे मेटलॉइड्स, ये तीसरा टाइप होता है एलिमेंट्स का, जिसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज होती है, उन्हें कहा जाता है मेटल्स। तो यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा चैप्टर। चैप्टर का नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, चैप्टर नंबर 4। तो अब हम लोगों को सबसे पहले समझना है मेटल को, मेटल क्या चीज़ होती है। ठीक है, सो सबसे पहले मेटल की अपन पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी कि जिसको हम देख के ही पहचान सके कि ये मेटल है, वो वाली प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज। आप लोगों को अपनी बुक खोल लेनी है और साथ साथ पढ़ते हुए चलना है, साथ साथ समझना है। सबसे पहले आता है फिजिकल स्टेट। ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे जितनी भी मेटल्स होती है वो कैसी होती है? सॉलिड। यानी कि आपके कमरे का कोई टेम्परेचर है, कुछ भी हो, वो सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, वो कैसी होगी? मेटल्स, सॉलिड। ठीक है, यहाँ आपको एक एक्सेप्शन याद रखना है, वो है मर्करी। मर्करी, पारा, हाइड्रेजियम, ये इसके नाम है। ये जो मेटल होती है वो लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर पे, इसको अपन लिक्विड मेटल के नाम से भी जानते हैं। तो सभी मेटल्स रूम टेम्परेचर पे, नॉर्मल प्रेशर पे सॉलिड होती है। सॉलिड यानी कि सॉलिड लिक्विड गैस, हार्ड होती है थोड़ी, कठोर होती है। सेकंड नंबर पे बात करेंगे अपन कलर। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में सेकंड पॉइंट है अपना प्राची वाली बुक में कलर। मोस्ट मेटल एक्सेप्ट गोल्ड एंड कॉपर्स आर सिल्वर ग्रे इन कलर। ठीक है, जितनी भी मेटल्स हैं उनका एक मिक्स्ड कलर होता है, सिल्वर और ग्रे।
लेकिन यहां पे एक एक्सेप्शन है, एक तो है गोल्ड और एक है कॉपर। ये जो दो मेटल्स हैं ये सिल्वर ग्रे नहीं होती, सभी मेटल्स सिल्वर ग्रे कलर की होती है, बट ये दो मेटल्स ये एक्सेप्शन है। हम सबको पता है कि गोल्ड का कलर कैसा होता है, गोल्डन येलो, और हम सबको पता है कॉपर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन। आई होप आप कलर्स को समझ गए होंगे। अब थर्ड पॉइंट है हमारा अपीयरेंस, किस तरह की दिखाई देती है, किस तरह से हमारा एनकाउंटर होता है। तो हम लोगों को पता होना चाहिए सभी मेटल्स कैसी होती है, शाइनी, ठीक है। और ये जो प्रॉपर्टी है चमकदार दिखने की, शाइनी दिखने की, इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है मेटेलिक लस्टर, मेटेलिक लस्टर, LUSTRE, ओके। मेटेलिक लस्टर का मतलब है अगर आप किसी मेटल को काटते हो तो अंदर से उसका सरफेस कैसा निकलेगा, शाइनी। सभी मेटल्स मेटेलिक लस्टर रखती है, मेटल्स को आसानी से पॉलिश किया जा सकता है। फोर्थ नंबर पे जो मैं आपको बता रहा हूँ प्रॉपर्टी, वो भी काफ़ी ज़रूरत है, हार्डनेस। मेटल्स अगर अपन इमेजिन करें, लोहे को, आयरन को, कॉपर को, तो वो सब कैसी होती है, जनरली हार्ड होती है सारी की सारी मेटल्स। बट यहाँ पे भी एक्सेप्शंस है, सोडियम एंड पोटेशियम, ये दो मेटल एक्सेप्शन है, ये हार्ड नहीं होती है, इन मेटल को चाकू से काटा जा सकता है, ठीक है। ऑस्मियम इतना हार्ड होता है कि वो ग्लास के ऊपर भी स्क्रैच कर सकता है। नेक्स्ट है नंबर 5, टेंसाइल स्ट्रेंथ। अब ये क्या चीज होती है सोचिए, टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब होता है मेटल स्ट्रॉन्ग होती है, हम उसको स्ट्रेस दे सकते हैं, उसको खींच सकते हैं, बिल्डिंग, रेलवे ब्रिजेस और रेलवे लाइंस होती है, इन सब के अंदर आयरन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इनकी सहने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए इनको इन जगह पे यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आयरन कैन बियर ए लॉट ऑफ स्ट्रेस, लोहे की पटरियाँ आपने देखी होगी, उन पे रोज ट्रेनें निकलती है, क्या कुछ होता है क्या उनको, क्यों, क्योंकि आयरन की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। सभी मेटल्स टेंसाइल स्ट्रेंथ रखते हैं कुछ ना कुछ, इसीलिए वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। पॉइंट नंबर 6, मेलिएबिलिटी। यहां से हम नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। आप अपनी प्राची की बुक में से नोट्स बनाइए और जो भी चीज आपको समझ में नहीं आती है उसको इस वीडियो के जरिए क्लियर कीजिए।